प्रयास $3 थैंक यू बहुत खुशी होती है। एक बहुत पॉजिटिव माहौल पूरे ऑफिस में, पूरे ऑफिस के एटमॉस्फेयर में रहता है जब गणपति पप्पा हमारे यहाँ पे पधारते हैं। और वैसे तो हर साल
हम हर चीज़ जो भी पूजा शुरू करते हैं गणेश जी के साथ ही शुरू करते हैं, लेकिन जब वो एकदम इस त्यौहार के दौरान जब वो आके यहाँ पे होते हैं तो बहुत ही एक पॉजिटिव माहौल होता है। हर रोज़ सुबह हम आते हैं यहाँ पे पूजा के लिए, शाम को जाने से पहले आते हैं, तो एक सब सारे पूरे हमारे टी सीरीज परिवार के लिए बहुत अच्छा माहौल होता है। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत इन्जॉय से लोग बहुत इन्जॉयबल वे में सब लोग इस चीज़ को इन्जॉय करते हैं, पूजा करते हैं और प्रसाद खाते हैं, पेड़े खाते हैं, तो बहुत लोगों को खुशी होती है। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे आज? बहुत अच्छी, मेरे को तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड लगता है कि सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। आप बताइए। बहुत ही बहुत अच्छा लगता है, जैसे भाई ने अभी कहा कि बहुत ही पीसफुल, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी रहती है और गणपति जी आते हैं, पॉजिटिविटी लेकर आते हैं और जो भी कठिनाइयाँ होती है वो सब लेकर चले जाते हैं अपने साथ, बहुत अच्छा रहता है। मैडम जैसा कि हमने बात की, बहुत ही धार्मिक फैमिली है आपकी, तो ऐसी कुछ मेमोरी रही है आपकी पापा से रिलेटेड या हम तो देखो शिव जी भगवान को तो गुलशन जी मानते ही थे, माता रानी को भी, और गणपति जी उनकी संतान है तो ऑब्वियसली उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो सबके विघ्न हर्ता भी हैं और सबको आशीर्वाद उनका मिला ही हुआ है, तो बहुत उनका कृपा है हम सब पे। मुझे याद है जब मैं पहले बॉम्बे आई थी तो मैंने मन्नत रखी थी, जनरली हर ट्यूसडे मैं हर मंगलवार सिद्धिविनायक जाती थी और काफ़ी टाइम तक, ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर मैं जाती रही, चाहे बारिश हो या तूफान हो, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगता था, एक अलग ही वाइब्रेशंस आती थी। एंड आई थिंक ऑफकोर्स गॉड होते हैं तो ब्लेस करते हैं और वो ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है और बहुत ब्लेस भी किया है गॉड ने, तो आई एम जस्ट थैंकफुल कि हमेशा वो आकर हमें ब्लेस करते हैं और पापा आते हैं तो इतनी प्योर एंड पॉजिटिव एटमोसफेयर हो जाते हैं और सबको ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम जस्ट अभी सब स्टार्ट हो रहा है, सो आई एम जस्ट थैंकफुल एंड एक्साइटेड। आई एम थैंकफुल टू जॉन, निखिल, मिलाप एंड यस या आई एम ऑल चार्ज्ड अप एंड एक्साइटेड, बाकी दर्शक बताएंगे। सर आप कुछ अपनी तरफ से टिप्स देते हैं मैडम को कि ऐसे होना चाहिए सब? नहीं, ये तो खुद डायरेक्टर हैं, टिप्स इनसे लेते हैं हम, ये हम टिप्स कैसे देंगे कैमरा के सबके? गणपति पापा, गणपति पापा, थैंक यू।